हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है एसएसएल हैंडशेक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ही सोचेंगे एसएसएल हैंडशेक तो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हर इंटरव्यूज में बताते आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जो आप हैंडशेक पढ़ते आ रहे हैं वो पुराना है, वो आउटडेटेड है। उसको TLS 1.2 हैंडशेक बोलते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लेटेस्ट हैंडशेक है, उसे TLS 1.3 हैंडशेक बोलते हैं, ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा बेटर है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा कि पुराना वाला हैंडशेक कैसे चलता था। मे बी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, इंटरव्यूज में कभी आप अटकते हों, ये चीज़ नहीं क्लियर कर पाते हों, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। इनिशियल बताने के बाद हम सेकेंड पार्ट के अंदर, इसी वीडियो का जो पार्ट टू बनेगा, उस पार्ट में हम TLS 1.3 को आपको बताएंगे। तो पार्ट वन में हम डिस्कस करते हैं पुराना वाला हैंडशेक। ये आपका पुराना वाला हैंडशेक है। अब पुराने वाले हैंडशेक में जैसे आप देख रहे हैं क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जैसे आप देखिए HTTPS वेबसाइट कभी भी एक्सेस करना चाहते हैं तो HTTP वेबसाइट्स में HTTP से पहले TLS हैंडशेक होता है, तभी वो वेबसाइट सिक्योर हो पाती है। इस TLS हैंडशेक की इम्पोर्टेंस इसीलिए है ताकि वेबसाइट जेन्युइन हो, जिसको भी आप एक्सेस कर रहे हैं, ये नहीं हो कि आपको दिख कुछ और रहा है और आप फेक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। ये हैकर्स बहुत सारी वेबसाइट बना देते हैं इस तरीके की जो आपको एग्जैक्टली सेम लगती हैं। आप मतलब अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप जेन्युइन वेबसाइट पे हैं कि फेक वेबसाइट पे हैं। तो ये गलती अक्सर हो जाती है, इसी वजह से ये जो TLS हैंडशेक है इसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं पुराने वाले हैंडशेक की। जब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है तो TLS हैंडशेक से पहले TCP हैंडशेक होता है हमेशा। तो TCP हैंडशेक में आपको पता ही है सिन होता है, सिनैक होता है, फिर एक होता है। ये बेसिक कम्युनिकेशन होती है चेक करने के लिए कनेक्शन ओपन है कि नहीं है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। ये होने के बाद फिर हम SSL हैंडशेक की तरफ आते हैं। SSL हैंडशेक में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट हेलो। अब क्लाइंट हेलो में क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइंट हेलो के अंदर बड़ी लिमिटेड चीजें भेजी जाती हैं, लेकिन वो चीजें बड़ी खास होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले क्लाइंट हेलो के अंदर जो क्लाइंट हाईएस्ट TLS वर्जन सपोर्ट करता होगा वो वर्जन भेजा जाता है, जैसे TLS 1.1, 1.2, 1.3, जो भी कुछ उसका होगा वो सब भेजेगा उसका अपना लेटेस्ट वाला। तो सेकंड चीज होती है साइफर सूट्स, जो भी साइफर सूट्स ही क्लाइंट सपोर्ट करता है वो साइफर सूट्स भेजे जाते हैं। साइफर सूट सिक्योरिटी के लिए जरूरी होते हैं, इनका लेटेस्ट होना, इनका स्ट्रॉन्गेस्ट होना बहुत जरूरी है। कंप्रेशन एल्गोरिथम भेजे जाते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भेजे जाते हैं, ये सब चीजें जो एक्चुअल में सिक्योर करने के काम आती हैं, ये तो सब है। इसके अलावा दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भेजी जाती हैं। पहली चीज भेजी जाती है SNI। SNI मतलब सर्वर नेम इंडिकेशन। सर्वर नेम इंडिकेशन से पता चलता है कि जो क्लाइंट है वो किस एक्चुअल वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, सो दैट जो सर्वर है वो करेक्ट सर्टिफिकेट भेजे सिर्फ उसी वेबसाइट का, कोई और सर्टिफिकेट ना भेज दे उठा के। तो उसको अवॉइड करने के लिए SNI जरूरी होता है। SNI को मैंने अपनी एक वीडियो में इसी चैनल पे एक SNI सर्वर नेम इंडिकेशन नाम से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है SNI का, जो भी आपको इंटरव्यूज में पूछा जाएगा मैंने वो ऑलमोस्ट सब कुछ वहां पे कवर कर रखा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज SNI के अलावा है वो है रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि यहाँ पे रैंडम नंबर होता है, और होता भी है तो उसका काम क्या है। अब समझिए इस चीज को, रैंडम नंबर जो होता है उसका नाम से समझिए, वो एक रैंडम ही नंबर होता है, रैंडमली जनरेट होता है ऑन द स्पॉट। अब जो इस तरह के जो रैंडम नंबर्स होते हैं इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इनको फेक नहीं करा जा सकता। ये ऑन द स्पॉट जो बना है वो सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो दोबारा नहीं बनेगा। तो इसी वजह से रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं, हर बार एक नया नंबर जनरेट करते हैं जो कभी भी पिछले नंबर से या किसी भी नंबर से सेम नहीं होता। अभी रैंडम नंबर सेम ना होने का ये बड़ा बेनिफिट है। क्या होता है कि जब भी क्लाइंट हेलो या सर्वर हेलो जो भी चीज भेजी जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही रैंडम नंबर भेजा जाता है, जो भी चीज भेजी जाती है उसमें जो हाईजैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, ये साइफर सूट भी ले आएंगे, TLS वर्जन सपोर्ट कौन सा करता ये भी ले आएंगे, SNI भी ऐड कर देंगे, कंप्रेशन मेथड सब कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम नंबर एक बार चला गया क्लाइंट हेलो में, ये हैकर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उस रैंडम नंबर को दोबारा सेम जनरेट नहीं कर सकते। अब वो रैंडम नंबर क्लाइंट हेलो सर्वर के पास जा चुका है, उसे पता है कि मैं एक्चुअल क्लाइंट से बात कर रहा था। अब दोबारा से कोई हैकर एक दूसरा क्लाइंट हेलो भेजने की कोशिश भी करेगा, वही सारी एग्जैक्ट डिटो इन्फॉर्मेशन लेने के साथ भेजने की कोशिश भी करेगा तो सर्वर उसे डिस्कार्ड कर देगा, सर्वर को पता चल जाएगा कि ये फेक है। कैसे पता चलेगा? इस रैंडम नंबर की हेल्प से। रैंडम नंबर मैच ही नहीं होगा,
जो पिछला वाला क्लाइंट है, जो एक्चुअल क्लाइंट ने अपने क्लाइंट हेलो में रैंडम नंबर भेजा था वो डिफरेंट होगा, और इस हाईजेकर का रैंडम नंबर डिफरेंट होगा। सर्वर को पता चल जाएगा ये कोई हैकर है, इसको डिस्कार्ड करो, हट गया वहां से। तो इस रैंडम नंबर को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा याद रखिए। अभी क्लाइंट हेलो हो गया, यहां से चला गया, उसके बाद सर्वर की बारी है, वो अपना सर्वर हेलो भेजेगा। सर्वर हेलो के अंदर क्या भेजा जाता है, सर्वर हेलो के अंदर जो जो क्लाइंट ने ऑप्शन दी थी उनमें से सर्वर अपने लिए ऑप्शन सिलेक्ट करता है, चूज करता है। बेसिकली सर्वर ने, जो क्लाइंट था, उसने हाईएस्ट टीएलएस प्रोटोकॉल वर्जन जो भी ये सपोर्ट करता था, टीएलएस 1.1, 1.2, 1.3 जो भी कुछ था, जो ये हाईएस्ट सपोर्ट करता था, भेजा जाता। तो ये सर्वर अपने सर्वर हेलो में क्या करेगा, जो भी एक कॉमन होना चाहिए क्लाइंट और हेलो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कॉमन जो टीएलएस वर्जन होगा और जो हाईएस्ट भी होगा, हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। लेट्स से मान लीजिए जो सर्वर है वो सपोर्ट करता है अप टिल 1.3 तक, लेकिन जो क्लाइंट है वो सिर्फ 1.2 तक सपोर्ट करता है। तो इस केस में जब इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा तो उसमें 1.3 सिलेक्ट नहीं होगा, उसमें सिलेक्ट होगा 1.2, क्योंकि वो कॉमन भी है और कॉमन के साथ हाईएस्ट है जो दोनों सपोर्ट करते हैं। जब क्लाइंट 1.3 सपोर्ट ही नहीं करता उस टाइम पे, तो 1.3 सिलेक्ट करने का सेंस क्या बनता है, क्लाइंट को तो समझ में आएगा ही नहीं लैंग्वेज। तो इसीलिए हाईएस्ट प्रोटोकॉल वर्जन सिलेक्ट किया जाता है। अब सर्वर भी अपनी तरफ से एक रैंडम नंबर भेजेगा जैसे क्लाइंट ने भेजा था। आपको पता है ये किस लिए, ये रीप्ले अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई हैकर कुछ कर ना सके। फिर सर्वर जो है, जो क्लाइंट ने साइफर सूट्स, कंप्रेशन एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो भी कुछ भेजा था उसमें से वो चूज कर लेगा, ठीक है, कि ठीक है हम, आपने ये भेजा है, हम इन इन चीजों पर आगे कनेक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, डन। उसके बाद SNI से उसे पता चल ही गया, जो क्लाइंट हेलो में SNI गया था उससे पता चल गया कि ये सर्टिफिकेट इसको चाहिए, ठीक है। तो यहां तक बात चली गई। अब जो अगली जो आती है सर्वर हेलो के बाद, सर्वर अपना सर्टिफिकेट भेजेगा। ये आप तीसरा जो स्टेप देख रहे हैं, जो सर्वर हेलो के ठीक नीचे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये सर्वर पर सर्टिफिकेट भेजेगा। अब सर्टिफिकेट भेजना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मैंने आपको जो SNI वाली वीडियो है अपनी, सर्वर नेम इंडिकेशन वाली, उसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक हल्का सोवर भी यहाँ पे दे देता हूँ। ये सर्टिफिकेट जो भेजा जाएगा, इस सर्टिफिकेट को क्लाइंट डिक्रिप्ट करेगा। ये डिक्रिप्ट करने के बाद पता चलेगा क्लाइंट को कि हाँ, मैं जिस, जो भी ये मेरे पास सर्टिफिकेट आया है, ये उसी वेबसाइट का, उसी सर्वर का आया है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। तो वैलिडेशन हो जाएगा। ये सर्वर जो सर्टिफिकेट वैलिडेशन पार्ट है, ये मैंने इसी वीडियो में एक दो स्लाइड्स बाद डिस्कस किया है पूरे डिटेल तरीके से, वो भी आप ध्यान से समझना, क्योंकि वो इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, हाउ वुड अ क्लाइंट वैलिडेट द सर्वर सर्टिफिकेट इन द TLS हैंडशेक। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, उसे स्किप मत करना प्लीज। ये सर्वर सर्टिफिकेट भेजने के बाद, सर्टिफिकेट भेजने के साथ सर्वर अपनी पब्लिक की भी भेजता है। वो कैसे काम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भेजने के बाद एक सर्वर की एक्सचेंज होता है, वो एक ऑप्शनल होता है, नहीं होता। ये करने के बाद सर्वर हेलो डन हो जाता है। सर्वर हेलो डन हो जाता है, इसका मतलब जो हैंडशेक की नेगोशिएशन थी वो दोनों साइड से हो गई, ठीक है। अब सर्वर हेलो डन होने के बाद अब क्लाइंट की बारी आती है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट की एक्सचेंज में वो एक प्री मास्टर सीक्रेट जनरेट करता है। प्री मास्टर सीक्रेट जनरेट करने के बाद उसे सर्वर की जो पब्लिक की होती है, जो सर्टिफिकेट के साथ जो पब्लिक की आई थी, उस पब्लिक की को से एनक्रिप्ट करके उसे सर्वर के पास वापस भेज देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, ये जो प्री मास्टर सीक्रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो सारी कम्युनिकेशन चल रही थी वो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में चल रही थी, यानी कि एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन चल रही थी। जब जब भी पब्लिक और प्राइवेट की पेयर होता है उसको हम एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों कीज अलग अलग हैं, पब्लिक और प्राइवेट अलग अलग। जब भी सेम की बात आती है एनक्रिप्शन के लिए उसको हम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि एग्जैक्ट सेम की जो बाद में यहाँ पे यूज होगी। अब यहाँ पे जो प्री मास्टर सीक्रेट ये जनरेट हुआ है, इसको पब्लिक की से एनक्रिप्ट करने के बाद ये सर्वर के पास भेज देगा। इस स्टेप से पहले इसने सर्टिफिकेट का वैलिडेशन भी किया था, जो मैंने आपको बताया, हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब ये प्री मास्टर सीक्रेट भेजने के बाद यहाँ पर, अब देखिए दोनों पार्टीज के पास बड़े स्मार्टली, किसी को पता भी ना चला, और दोनों के पास एग्जैक्ट सेम चीजें आ गई। कैसे आ गई, क्लाइंट हेलो के अंदर क्लाइंट रैंडम गया था, वो सर्वर के पास पहुंच गया, वो क्लाइंट के पास भी है। सर्वर हेलो के अंदर सर्वर रैंडम नंबर था, वो सर्वर ने जनरेट किया था, उसके पास है, अब वो क्लाइंट के पास भी पहुंच गया। दोनों के पास सेम चीजें। अब तीसरा जो प्री मास्टर सीक्रेट था, ये पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके उसने सर्वर के पास भेज दिया, सर्वर ने अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर लिया, और उसके पास भी प्री मास्टर सीक्रेट और क्लाइंट के पास भी, तीनों के पास तीन चीजें सेम हो गई। तीनों चीज सेम होने के बाद इन तीन चीजों की हेल्प से
क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम एंड प्री मास्टर सीक्रेट, इन तीनों की हेल्प से ये मास्टर सीक्रेट जनरेट करते हैं। अब ये जो मास्टर सीक्रेट जनरेट होता है यहां से, क्योंकि मास्टर सीक्रेट तो एक है, वो दो तो है नहीं पब्लिक प्राइवेट की तरह, तो यहां से सिमेट्रिक एनक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहां से स्टार्ट होता है, तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जहां से मास्टर सीक्रेट जनरेट हो गया वहां से सिमेट्रिक एनक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब ये करने के बाद अब इस मास्टर सीक्रेट को टेस्ट करने की बारी है। जनरेट तो हो गया, अब इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करा जाएगा? क्लाइंट भेजेगा एक चेंज साइफर स्पेक मैसेज। इसका मतलब ये होगा कि मैं इस मैसेज को मास्टर सीक्रेट से एनक्रिप्ट कर रहा हूं, आपके पास सर्वर से बोलता है ये, आपके पास जो मास्टर सीक्रेट है आप उससे इसको डिक्रिप्ट करना। ठीक है, ये चेंज साइफर स्पेक का मैसेज चला जाता है, उसके साथ ही क्लाइंट क्या भेजता है, अपना फिनिश्ड मैसेज भेज देता है। ठीक है, अब इस फिनिश्ड मैसेज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये फिनिश्ड मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिनिश्ड मैसेज। अब फिनिश्ड मैसेज में क्या होता है, ये जो पूरा हैंडशेक अब तक हुआ है इस स्टेप तक, स्टार्टिंग क्लाइंट हेलो से लेके यहां तक, इस पूरे का एक हैश होता है, हैश निकाला जाता है और मैक वैल्यू निकाली जाती है इस पूरे हैंडशेक की, उसको इस फिनिश्ड मैसेज में एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। तो ये एक एनक्रिप्टेड फिनिश मैसेज होता है, इसको सर्वर को डिक्रिप्ट करके ये दोनों वैल्यूज हैश और मैक निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब सर्वर के पास दो चीजें पहुंच गई, एक तो वो चेंज साइफर स्पेक के थ्रू जो उसने एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा था उसको भी सर्वर को डिक्रिप्ट करना है और पता करना है कि मेरा मास्टर सीक्रेट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कभी कुछ अलग ही हाथ लग गया हो। वो डिक्रिप्ट करने के बाद उसे मास्टर सीक्रेट तो कन्फर्म हो जाएगा। अभी दूसरा वाला जो फिनिश मैसेज भेजा गया है ये एनक्रिप्ट है, ठीक है, ये भी एनक्रिप्टेड मैसेज है, इसको भी वो सर्वर डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और डिक्रिप्ट करने के बाद हैश और मैक वैल्यू मिल जाएंगे, उसके पास भी हैश और मैक वैल्यू, क्योंकि भाई सेम हैंडशेक में सर्वर भी तो है, तो उसके पास भी हैश और मैक वैल्यूज होंगे ऑलरेडी, तो वो उनको इससे कंपेयर करेगा, मैच हो जाएंगे, डिक्रिप्शन और वेरिफिकेशन जो है प्रॉपर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पार्टीज वही हैं जो ये आपस में कह रहे हैं। ठीक है, डन है यहां तक। उसके बाद सर्वर भाई साहब क्यों पीछे रहेंगे, वो भी यही काम करेंगे, भाई तूने मेरे पास एनक्रिप्टेड भेजा था ना, ले मैं भी भेजूंगा, तो वो भी भेजेंगे चेंज साइफर स्पेक मैसेज, वो अपना एनक्रिप्ट करके और मास्टर सीक्रेट से एनक्रिप्ट करेंगे और भेज देंगे क्लाइंट के पास। ठीक उसी तरह ये भी एक फिनिश्ड मैसेज भेजेंगे, कमी कोई नहीं छोड़ेगा, टक्कर है पूरी। तो यहां से चेंज साइफर स्पेक और फिनिश मैसेज भेजा जाएगा, क्लाइंट भी इसको डिक्रिप्ट करेगा कि लो भाई यही चाहते हो तो ठीक है। अब क्लाइंट डिक्रिप्ट करेगा और वेरीफाई करेगा, जब दोनों हैश और मैक इसे मिल जाएंगे और एनक्रिप्टेड मैसेज को वही डिक्रिप्ट कर लेगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि भाई सब कुछ सही है, दोनों क्लाइंट हेलो, क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल बिंदास वही हैं जो सोच रहे थे हम। यहां तक पार्ट खत्म। ठीक है, अब इसके बाद जो भी कुछ आगे चलेगा वो सेशन कीज की मदद से चलेगा। सेशन कीज जो जनरेट होती है ये मास्टर सीक्रेट के बेसिस पे जनरेट होती है। यहां से जो भी एनक्रिप्टेड होगा वो सब कुछ इन्हीं सेशन कीज की मदद से होगा। तो कोई पूछता है सेशन की कहां से, वो मास्टर सीक्रेट के बेसिस पे जनरेट होती हैं और वहां से आगे तक चलती हैं। ठीक है, तो यानी कि मास्टर सीक्रेट जनरेट होने के टाइम तक एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन चल रहा था, मास्टर सीक्रेट जनरेट होने के बाद से सिमेट्रिक एनक्रिप्शन चल रहा है, सिमेट्रिक कीज यूज हो रही है जिन्हें हम सेशन कीज कहते हैं। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस डन। तो ये आपका था SSL हैंडशेक। अब एक क्वेश्चन और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कीज को लेके। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं, व्हेन यू नो दैट एसिमेट्रिक कीज आर मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल हैं, तो व्हाई डोंट वी यूज द सेम एसिमेट्रिक कीज फॉर एनक्रिप्टिंग द डेटा एज वेल। जो हैंडशेक के बाद जो हम डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एसिमेट्रिक की पब्लिक प्राइवेट की का यूज करके क्यों नहीं कर लेते, भाई एसिमेट्रिक जो है स्ट्रांग होती है ना, तो क्यों नहीं करते ऐसा। वो इसलिए नहीं करते कि देखो स्ट्रांग तो है वो, नो डाउट सिमेट्रिक की से बहुत बेटर है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उनका ओवरहेड बहुत ज्यादा है, उनका बर्डन बहुत ज्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ही साइज में बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको कंप्यूटेशनल जो बर्डन है उनका ज्यादा है, लोड ज्यादा मांगती हैं किसी मशीन पे हो यूज करते हैं, तो अगर इतना करा जाएगा तो लेटेंसी आएगी, क्योंकि भाई लोड ज्यादा होता है तो लेटेंसी डेफिनेटली आती है, तो वो फिर मजा नहीं आएगा काम करने में। वो जब भी हम करेंगे हमें हर जगह डिलेज ही डिलेज दिखाई देंगे सारे पैकेट कैप्चर में। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ हैंडशेक करा जाता है एसिमेट्रिक की से, और हैंडशेक होने के बाद बाकी काम करा जाता है सिमेट्रिक की से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं सर्वर सर्टिफिकेट वैलिडेशन एंड टीएलएस हैंडशेक, टीएलएस 1.2 हैंडशेक, जो पुराना वाला हैंडशेक था। अब इस सर्वर सर्टिफिकेट का वैलिडेशन कैसे होता है जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आप कुछ चीजें ध्यान से देखिए। ये सबसे पहली बात, आपको ये समझना चाहिए कि सर्टिफिकेट बनता कैसे है।
जब भी एक सर्वर को अपने लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो वो एक CSR रिक्वेस्ट भेजता है। CSR क्या होती है? सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। वो CSR वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास भेजता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सब कुछ चेक करती है कि ये सब चीज़ ठीक है कि नहीं है, नाम, सीरियल नंबर, वेबसाइट का नाम, इश्यूअर का नेम, वैलिडिटी पीरियड, और ये सब चीज़ चेक करती है प्रॉपर। और ये चेक करने के बाद उस वैलिडेट कर देती है कि हाँ भाई पार्टी तो ये सही है। अब ताकि उसे कुछ चेंज ना कर पाए उसका हैश निकालती है, ठीक है। वो उस CSR पे साइन नहीं करती, उस CSR का एक हैश निकाला जाता है, उस हैश को वो CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइन करती है। साइन करने के बाद अपना सिग्नेचर उसमें ऐड कर देते हैं सर्टिफिकेट में, इंक्लूडिंग द पब्लिक की। वो करने के बाद वो सर्टिफिकेट बन जाता है, उसको भेज देते हैं कि भाई जो भी सर्वर है ये आपका सर्टिफिकेट है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है वो अपनी प्राइवेट की से इस सर्टिफिकेट को एनक्रिप्ट करती है। क्यों करती है? सो दैट ये सिर्फ उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो सके और किसी तरीके से डिक्रिप्ट ना हो सके, ठीक है। तो ये फंडा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडेशन क्लाइंट करेगा कैसे। सर्वर ने सर्टिफिकेट भेज दिया, सर्टिफिकेट भेजा, अब ये क्लाइंट हम इतनी देर से कर रहे हैं, इस क्लाइंट का मतलब क्या है? क्लाइंट का मतलब है जो आप ब्राउजर यूज करते हो, फायरफॉक्स, क्रोम, IE, जो भी कुछ यूज करते हो आप, वो है हमारा क्लाइंट यहाँ पर, क्योंकि वही तो google.com और सारी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ब्राउजर है ये क्या करेगा? ब्राउजर के अंदर आपने आप कभी खोल के देखा होगा तो आपको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर मिलेगा। जब भी आप सर्टिफिकेट स्टोर में जाएंगे ना तो आपको ये पक्का मिलेगा। इस ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर में क्या होता है, सारे भी जितने बड़े बड़े सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, GoDaddy, VeriSign, ग्लोबल साइन, दुनिया जहां के जो भी कुछ है, उन सबकी पब्लिक कीज ब्राउजर में ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। अब ये होती हैं, उनके पास पब्लिक की है, इसका मतलब जो भी सर्टिफिकेट आएगा वो प्राइवेट की से सर्टिफिकेट अथॉरिटी की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होके आया था। ये ब्राउजर वो कैपेबल होते हैं उसको डिक्रिप्ट करके और रीड करने के कैपेबल होते हैं। एग्जैक्टली वही काम ब्राउजर करते हैं, इसलिए तो इम्पोर्टेंस है, इसीलिए पता लगा पाते हैं कि जो आप ये पैड लॉक देखते हो या जो सिक्योरिटी देखते हो, ये ब्राउजर को कैसे पता चलता है? ऐसे तो पता चलता है, ये डिक्रिप्ट कर लेते हैं उस पब्लिक की से और उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि साइट वो बिल्कुल सही है। और जिसको नहीं कर पाते, जिसका मिसमैच हो जाता है, उसमें आप देखते होगे वो पैड लॉक आइकन की जगह पे एक रेड तरह का आइकन होता है, रेड मार्क होता है, जिससे पता चलता है कि ये ट्रस्टेड नहीं है, इसको अपने रिस्क पे एक्सेस करना, ठीक है। तो अब यहां पर अपने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी की हेल्प से ये जो ब्राउजर है ये इसको वैलिडेट करेगा, उस सर्टिफिकेट को, ठीक है। अब सर्टिफिकेट को ये चेक कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये ट्रस्टेड CA का साइन करा हुआ, ये सिर्फ इतना चेक करेगा अभी फिलहाल कि ट्रस्टेड CA ने साइन किया, GoDaddy, ग्लोबल साइन जो भी है, वो करने के बाद डन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये ट्रस्टेड CA साइन है तो उसका पब्लिक की ऑलरेडी इसके पास है, तो ये क्या करेगा, उस सर्टिफिकेट को पार्स कर देगा। कौन कर रहा है? ब्राउजर। ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को पार्स करेगा, पार्स मतलब एक तरह से आप डिक्रिप्ट मान के चलो। वो करने के बाद उसे क्या मिलेगा, जो पहले से अंदर था जिसको एनक्रिप्ट किया गया था वही मिलेगा। तो इसको पार्स करने के बाद क्या मिलेगा, एक CSR मिलेगा, CSR मिलेगा और एक एनक्रिप्टेड हैश मिलेगा CSR का, ठीक है। अब आप ये समझिए इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो प्लेन CSR है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक उस CSR का पहले हैश किया हुआ, हैश करके फिर उसे एनक्रिप्ट किया हुआ, यानी कि एनक्रिप्टेड हैश ऑफ CSR, ये मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो हैश कर दिया CSR को, फिर उसे एनक्रिप्ट कर दिया अपनी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की CA की प्राइवेट की से, ठीक है, ताकि कोई डिक्रिप्ट करके ही उसे कंफर्म कर पाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो क्लाइंट है, जो ब्राउजर है, सेम हैशिंग एल्गोरिथम, क्योंकि हैशिंग एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी क्लाइंट हेलो और सर्वर हेलो में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं का यूज करेंगे हम, जो हमने डिस्कस किए थे उसमें से जो कॉमन जो हमने निकाला था हैशिंग एल्गोरिथम, उसका यूज करके हम जो CSR हमको मिली है, जो अलग से CSR मिली है, उसको हम हैश निकालेंगे, और हैश निकाल के हमें क्या मिलेगा, हैश ऑफ द CSR, ठीक है। अब जो एनक्रिप्टेड हैश ऑफ द CSR जो सर्वर ने जो हमें मिला था वहां पे उस सर्टिफिकेट को पार्स करके, हम उस एनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द पब्लिक की ऑफ CA। उसे जब डिक्रिप्ट कर लिया तो हमें क्या मिल गया, वहां से भी एक हैश ऑफ CSR मिल गया। तो अब हमारे पास एक हमारा जनरेट किया हुआ, जो क्लाइंट का जनरेट किया हुआ हैश ऑफ CSR है, एक वो है जो सर्टिफिकेट के अंदर आया था हैश ऑफ CSR। जब ये दोनों पार्टीज मिल जाएंगे, यानी कि हैश ऑफ CSR ये और हैश ऑफ CSR वो, दोनों मिल जाएंगे, इसका मतलब हैश सेम है, इसका मतलब सर्टिफिकेट सेम है, डन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करने का, वैलिडेट करने का। आई होप
ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अब लग रहा है शायद काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे यहीं पर पार्ट वन में रोकेंगे, और पार्ट वन के बाद जो पार्ट टू होगा उसके अंदर हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।